हाय दोस्तों, आज बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा में हुआ था। वह दाएं हाथ की बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत ने मार्च 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैच में भारत के लिए पदार्पण किया। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत धीमी रही लेकिन धीरे धीरे सुधार हुआ और वह भारतीय टीम का अभिन्न अंग बन गई। उन्होंने 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत के सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सिर्फ 115 गेंदों पर नाबाद 171 रन बनाए। उनकी दस्तक को महिला क्रिकेट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक माना जाता है और भारत को टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में मदद की। 2018 में हरमनप्रीत सिडनी थंडर का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला बिग बैश लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। वह लंकाशायर थंडर का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लैंड में किया सुपर लीग में भी खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2017 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैदान के बाहर हरमनप्रीत संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने अपना खुद का संगीत एल्बम भी जारी किया है। उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक माना जाता है और क्रिकेट खेलने की इच्छा रखने वाली युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। हरमनप्रीत ने जून 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में पदार्पण किया। वह 2010, 2012, 2018 और 2023 महिला टी20 विश्व कप में भी खेली। 2016 में हरमनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी जहां उन्होंने सिडनी थंडर का प्रतिनिधित्व किया और उनका यह सीजन सफल रहा। उन्होंने 116.62 की स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए और 6 विकेट भी लिए। हरमनप्रीत 2018 और 2019 में लंकाशायर थंडर का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लैंड में महिला क्रिकेट सुपर लीग में भी खेल चुकी हैं। नवंबर 2018 में हरमनप्रीत टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी जब उन्होंने 2018 महिला विश्व टी20 के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए। हरमनप्रीत 2019 से भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में भारत 2020 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया। दिसंबर 2021 में हरमनप्रीत 100 टी20 खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। हरमनप्रीत अपनी क्षेत्र रक्षण क्षमताओं के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार कैच लपके हैं। हरमनप्रीत कौर को दुनिया की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है और वह कई युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा रही हैं जो क्रिकेट खेलने की इच्छा रखती हैं। हरमनप्रीत उस भारतीय टीम का हिस्सा थी जिसने चीन के ग्वांगझू में 2010 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। वह ग्वांगझू में 2012 एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थी। हरमनप्रीत को 2016 महिला एशिया कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टीम को खिताब तक पहुंचाया। हरमनप्रीत को 2017 और 2018 में 2 बार ICC महिला टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। 2019 में हरमनप्रीत लंकाशायर थंडर टीम के एक भाग के रूप में इंग्लैंड में किया सुपर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। हरमनप्रीत अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। वह कई NGO से जुड़ी रही हैं और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न कारणों से अपनी पुरस्कार राशि दान की है। 2021 में हरमनप्रीत को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। हरमनप्रीत अपनी आक्रामक शैली और तेजी से रन बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वह एक प्रभावी गेंदबाज भी हैं और उन्होंने अपने करियर में कई विकेट लिए हैं। हरमनप्रीत को अक्सर उनकी हरफनमौला क्षमताओं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर उनके प्रभाव के कारण महिला क्रिकेट का कपिल देव कहा जाता है। 2021 में हरमनप्रीत का नाम मनोरंजन और खेल श्रेणी में फोर्ब्स एशिया अंडर 30 सूची में था। हरमनप्रीत ने भारत के लिए वनडे में 3500 से ज्यादा और टी20 में 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से दोनों प्रारूपों में 60 से अधिक विकेट भी लिए हैं। हरमनप्रीत महिला बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो उन्होंने 2018 में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए हासिल की थी। 2021 में हरमनप्रीत सभी प्रारूपों में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पांचवीं भारतीय क्रिकेटर बनी। हरमनप्रीत 2012, 2016 और 2018 में महिला एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रही हैं। वह 2017 महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थी। हरमनप्रीत अपने नेतृत्व कौशल और अपने साथियों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। मैदान पर उनके सामरिक कौशल और उनके शांत व्यवहार के लिए अक्सर उनकी प्रशंसा की जाती है। हरमनप्रीत को क्रिकेट के अलावा बास्केटबॉल और कबड्डी सहित अन्य खेलों में भी दिलचस्पी है। उसने भारत में इन खेलों को बढ़ावा देने और युवा एथलीटों की मदद करने की इच्छा व्यक्त की है। हरमनप्रीत को उन युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल माना जाता है जो भारत में खेलों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उसने अक्सर कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के महत्व के बारे में बात की है और कैसे उन्होंने अपने करियर में सफलता हासिल करने में मदद की है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहे।